Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Karna Girls Study College, University of Allahabad. And in the series of discussing issues over statistics, this time I am going to discuss about measures of central tendency. केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है. इस वीडियो में हम सिर्फ आपसे उसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, थियरी डिस्कस करेंगे और आगे के वीडियोस में उसका कंप्यूटेशन या कैसे निकालते हैं ये डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती हैं. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति, बात किसकी हो रही है, स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि जो डेटा हमको मिला है, जो आंकड़े हैं, उसमें आंकड़ों की प्रवृत्ति क्या है, वो केंद्र पर आना चाहते हैं, वो केंद्र से उनका अफेक्शन है, एफिनिटी है, वो इसका बेसिक कंसेप्ट है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो कौन से आंकड़े हैं जिनकी प्रवृत्ति केंद्र में आने की है. ये है इसका हिसाब किताब, अगर एक लाइन में समझना चाहें तो. तो क्या कह रहा है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्रोवाइड्स अ सिंगल वैल्यू, यानी कि ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं वो हमको एक मान देती हैं. सिंगल वैल्यू दैट इंडिकेट्स द जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा एंड दिस सिंगल वैल्यू प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा बाय आइडेंटिफाइंग द वैल्यू एट और नियर दी सेंट्रल लोकेशन ऑफ द डेटा. देखिए, इस एक डेफिनेशन में आप पूरा समझ सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या है. ये कह रहा है कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं वो हमको एक मान देती हैं, जो क्या बताता है, जो इंडिकेट करता है जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा, यानी आंकड़ों की जो सामान्य प्रवृत्ति या माप है उसको इंगित करता है. और ये मान हमको क्या बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, यानी कि जो आंकड़े हमको मिले हैं उनके गुणों के बारे में हमको सूचना देता है बाय आइडेंटिफाइंग द वैल्यू एट और नियर द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द डेटा. कैसे देता है आंकड़ों के बारे में सामान्य सूचना, कि वो मान हमको बता देता है जो लगभग उसके मध्य में आ रहा है. तभी तो कह रहा है ना केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, वो मापें जिनकी प्रवृत्ति केंद्र में आने की है. तो आपको ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पता चल जाएंगी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आंकड़ा कैसा है, डेटा कैसा है. वो उसका एक मान हमको ये बता देगा कि सेंटर के पास उसका क्या मैग्नीट्यूड है, क्या जनरल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में. ये है इसका हिसाब. तो स्टैटिस्टिक्स से घबराने की जगह पहले उसको समझ लेंगे अगर, तो उसके बाद क्या है, हमको सिर्फ ये निकालने आना है ना. ये तो सेकेंड टर्म है, जब हमको उसका सेकेंड स्टेप है कि हमको उस पर आधारित सवाल या न्यूमेरिकल प्रश्न लगाने आए. पहला स्टेप क्या है कि हम कंसेप्ट समझें. तो कंसेप्ट समझे बिना तो सवाल आप नहीं लगा पाएंगे, तो पहले कंसेप्ट समझिए. तो ये डेफिनेशन बॉर्डेंस एंड अबॉट ने 2011 में दी और बहुत ही सटीक डेफिनेशन है. फिर किंग एंड मिनियम क्या कहते हैं 2013 में, ये कह रहे हैं डिस्क्राइब्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एज अ समरी फिगर. ये कह रहे हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो हैं वो एक हमको एक सारांश के रूप में एक अंक दे देती हैं दैट हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग अ सेंट्रल लोकेशन फॉर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ स्कोर्स. जो हमको किसमें विवरण में मदद करता है, सहायता करता है कि हमको सर्टेन ग्रुप ऑफ स्कोर्स मिला है, हमको कई सारे स्कोर्स का एक समूह दे दिया गया है, उसकी जो केंद्रीय स्थिति के बारे में ये समरी फिगर हमको बता देता है. कौन सा समरी फिगर, जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं. कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा, आगे अभी बताएंगे. फिर टेट ने 1995 में डिस्क्राइब किया कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एज अ सॉर्ट ऑफ, अ होना चाहिए था, एज हो गया, अ सॉर्ट ऑफ एवरेज और टिपिकल वैल्यू ऑफ द आइटम्स इन द सीरीज एंड इट्स फंक्शन इज टू समराइज द सीरीज इन टर्म्स ऑफ दिस एवरेज वैल्यू. ये कह रहे हैं एक तरह से ये एवरेज हमको बता रहा है, एक तरीके से हमको इसका माध्य बता रहा है, उसका औसत बता रहा है, और एक टिपिकल वैल्यू हमको बता दे रहा है कि सीरीज में जितने भी आइटम्स हैं उनकी टिपिकल वैल्यू क्या है. और इसका कार्य क्या है, टू समराइज द सीरीज इन टर्म्स ऑफ दिस एवरेज वैल्यू, यानी कि जो भी हमको सीरीज दी गई है, जो भी हमको आंकड़े मिले हैं, जो भी हमको स्कोर्स मिला है, उनके औसत मान के आसपास ये हमको समराइज करके बता देता है. कौन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी.
तो कार्य क्या क्या होगा, इसके फंक्शंस क्या है, कि दे प्रोवाइड अ समरी फिगर विद द हेल्प ऑफ विच द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द होल डेटा कैन बी एक्सप्लेन। यानी कि इसका सबसे प्रमुख काम ये है कि हमको ये एक मान कह रहा था ना, सिंगल वैल्यू, एक हमको सारांश के रूप में, एक समरी के रूप में एक फिगर दे देगा, जिसके बारे में, जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से हम ये बता पाएंगे कि जितना पूरा डेटा दिया है उसकी सेंट्रल लोकेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम। फिर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी इजिली रिड्यूस टू अ सिंगल फिगर, बहुत बड़ा हमको डेटा मिला था, हमने उसको बता दिया एक फिगर में कि ऑलमोस्ट डेटा का मैग्नीट्यूड, उसका इंफॉर्मेशन, उसका लोकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फिर व्हेन द मीन इज कंप्यूटेड फॉर अ सर्टेन सैंपल इट विल हेल्प गेज द पॉपुलेशन। जब अभी बात आ गई ना मीन की, तो आप ही लास्ट में आपको बताते हैं कौन कौन सी तीन सबसे प्रमुख केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हैं। तो यदि हम किसी सैंपल और पॉपुलेशन की बात आपसे हो चुकी है कि पॉपुलेशन क्या होता है, वो पूरे इंडिविजुअल्स बेसिक जो भी हमने लिया है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमने लिया है स्टडी के लिए, वो उसमें सब कुछ पॉपुलेशन में आता है, जिसको समष्टि कहते हैं। और उससे जब हम एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप उसका निकाल लेते हैं, एक प्रतिनिधित्व करता हुआ समूह निकाल लेते हैं, उसको सैंपल या न्यादर्श या नमूना कहते हैं। तो कह रहा है कि जब आप किसी सर्टेन सैंपल के लिए मीन निकाल लेते हैं, तो आपको ये भी पता चल सकता है कि पॉपुलेशन की मीन के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर द रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कंप्यूटिंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल हेल्प इन मेकिंग सर्टेन डिसीजंस फॉर पॉलिसी मेकिंग, मार्केटिंग, सेल्स एंड सो ऑन। कह रहा है कि अगर आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लिया है किसी आंकड़े के लिए, किसी स्कोर के लिए, तो आपको सर्टेन और भी डिसीजन निकालने में मदद मिलेगी, जैसे पॉलिसी बनाने के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए और आगे भी। फिर कंपैरिजन कैन बी कैरीड आउट बेस्ड ऑन सिंगल फिगर्स कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लेते हैं, तो हम उससे बहुत सारे आंकड़ों की तुलना भी कर सकते हैं। फिर द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर, अब ये बात निकल गया है कि कौन कौन से सेंट्रल टेंडेंसी की मापें, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कौन कौन सी हैं। सबसे प्रमुख मीन, जिसको आप माध्य कहते हैं, और यहाँ पे हम एरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। आपको पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है बहुतों को, कि मीन भी तीन तरीके का है, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एरिथमेटिक मीन, यानी अंक गणितीय माध्य है ना। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड, ये जो है थ्री मोस्ट पॉपुलर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। और बहुत पूछा जाता है, और बहुत मतलब कोई आपसे पूछेगा कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ भी बताया, तो मीन मीडियन मोड तो आता ही होगा, या मीन मीडियन मोड तो पता ही होगा। तो मीन मीडियन मोड मतलब जानना बेसिक है आपके लिए। ओके, तो ये तीन हमको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मिल गई, जो कि हमको आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में बताएंगी। अब हम एक एक करके जान लेते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या है। मीन, मीडियन एंड मोड ये हो गया। मीन क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि सबसे जो आप कह सकते हैं कि सामान्यतः यूज करने वाला जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है वो माध्य है, एंड इज ऑफन रिफर टू एज एवरेज, और इसको औसत भी कहा जाता है जनरली। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एज ऑल दिस स्कोर्स इन ए डेटा आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन इट इज कंप्यूटेड। और आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा संवेदी भी है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ये सेंट्रल टेंडेंसी की माप है। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी गणना करते हैं, तो आप इसमें सारे स्कोर्स का कंसिडरेशन करते हैं, सारे आंकड़े लेते हैं, कोई भी छोड़ते नहीं है। मीन इज द टोटल ऑफ ऑल दी स्कोर्स इन डेटा डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। औसत कैसे निकाला जाता है, सबने बचपन में जब गणित की कक्षाओं में पढ़ा है कि औसत कैसे निकालेंगे, कि जितना स्कोर है उन सबको जोड़ देंगे और जितना स्कोर है उसके नंबर से भाग देंगे। जैसे 2, 4, 6, 10, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे है, इन सबको जोड़ लीजिए और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 में जो भी 7, 8 संख्याएं आ रही हैं, 8 उनसे भाग दे दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा औसत क्या है। फिर मीडियन क्या है, द मीडियन इज ए पॉइंट। देखिए सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि माध्यिका एक बिंदु है, खास बात। औसत क्या था, औसत ये बता रहा था कि आंकड़े लगभग लगभग इससे कुछ कम या कुछ ज्यादा हैं, जबकि मीडियन हमको बिंदु के बारे में बता रहे हैं। माध्यिका कहती है इज ए पॉइंट इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी भी वितरण का वो बिंदु है, बिलो एंड अबव विच लाई हाफ ऑफ द स्कोर्स, जिसके ऊपर और नीचे आधे स्कोर्स रहते हैं, लाई मतलब रहते हैं। यानी कि बहुत सारे आंकड़े आपको दिए हैं क्रम से, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, तो उसमें वो बिंदु माध्यिका है जिसके ऊपर भी उतने ही स्कोर है, नीचे भी उतने स्कोर है, यानी कि वो मिडिल पॉइंट, एक तरीके से आप कह सकते हैं मिडिल पॉइंट को ही मीडियन कह दिया गया है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, P50 से भी डिनोट करते हैं। मीडियन इज ऑल्सो रिफर टू एज P50। P क्या है, पॉइंट, और 50 क्या है, मध्य में, 100 के बीच में 50 आएगा ना, इसलिए। एज स्टेटेड बाई बॉर्डन्स एंड अबॉट, मीडियन इज द मिडिल स्कोर इन एन ऑर्डर्ड डिस्ट्रीब्यूशन।
यानी कि आपको ये ध्यान देना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन को ऑर्डर्ड, यानी कि बेतरतीब हैफजर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं करेंगे आप उसको, आपको कोई भी आंकड़ा दिया हो आप उसको व्यवस्थित कीजिए, ऑर्डर बनाइए, सीरियल बनाइए, या तो घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में, और तब आप बता पाएंगे। जनरली हम क्या छोटे से बड़ा चलते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें जो मिडिल पॉइंट है वो आप ये बता सकते हैं कि उसके ऊपर और नीचे आधे आधे स्कोर हैं। इफ स्कोर्स आर टू बी अराइज, लिख दिया ना, इफ स्कोर्स आर टू बी अरेंज्ड इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन द मिडिल स्कोर इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज देन आइडेंटिफाइड एज मीडियन। यानी कि जो भी हमको आंकड़ा दिया था उसको हम या तो घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर ले, फिर जो बीच का पॉइंट है वो हमारा मीडियन हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। फिर मोड, ये सबसे ज्यादा आसान है और सबसे कम यूज किया जाता है। मोड इज डिनोटेड बाई द सिंबल एम ओ, यानी कि एम क्या है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है और ओ क्या है मोड के लिए हो गया। तो कह रहे हैं मोड है क्या, बहुलक। मोड इज द स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे आसान मतलब कि आप सिर्फ आंकड़ा देख के बता सकते हैं कि वो कौन सा स्कोर है जो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है। जैसे मान लीजिए आपको आंकड़ा दिया 2, 4, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 6, 2, तो बार बार दो आ रहा है, यानी कि दो क्या है बहुलक हो गया, बार बार दो आ रहा है, आवृत्ति उसकी सबसे ज्यादा है। सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशंस कैन बी बाई मोडल, ट्राई मोडल एंड मल्टी मोडल एज वेल। कुछ आंकड़े जो हो सकते हैं वो मल्टी मोडल, बाई मोडल हो सकते हैं, यानी कि दो अंक है जो बार बार आ रहा है, दो आंकड़े हैं जो बार बार आ रहे हैं। ट्राई मोडल यानी कि तीन अंक हैं जो बार बार आ रहे हैं। मल्टी मोडल यानी कि बहुत सारे अंक हैं जो बार बार आ रहे हैं। इस तरीके का भी डेटा हो सकता है। दो इफ दिस स्कोर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटली वेरी देन देयर मे बी नो मोड। ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा आंकड़ा मिल गया कि कोई भी अंक जो है वो रिपीट ही नहीं हो रहा है, उसकी आवृत्ति है ही नहीं, सब एकदम एक दूसरे से अलग है। तो ऐसा जब हमको आंकड़ा मिलेगा इसका मतलब कि उसमें बहुलक है ही नहीं। इसीलिए बहुलक इजी टू कैलकुलेट है, मोस्ट इजिएस्ट टू कंप्यूट है, बट इसका बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव नहीं है, बहुत इससे आपको आंकड़े के बारे में जानकारी नहीं मिलती। और कई बार ये भी हो सकता है कि मिले ही ना आपको आंकड़ों में। ठीक है, फिर हो गया आपका मीन। अब देखिए मीन को मतलब कायदे से प्रॉपरली जान लेते हैं कि मीन है क्या। तो मीन इज सेंसिटिव टू द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इफ अनदर स्कोर इज इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन देन द मीन और एवरेज ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल चेंज। ये कह रहे हैं कि जो माध्य है वो सबसे ज्यादा जो है वो संवेदी है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, एक्चुअल पोजिशन हमको बताता है ईच और एवरी स्कोर की डिस्ट्रीब्यूशन में। और जैसे ही आपने कोई स्कोर ऐड किया वैसे ही मीन का मान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको सबको जोड़ना है और सबको, एक भी अंक जुड़ रहा है, एक भी आंकड़ा जुड़ रहा है, तो मीन का मान बदल जाएगा। तो मीन जो है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। और मीन डिनोट्स अ बैलेंस पॉइंट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द टोटल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द मीन इज इक्वल टू द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द मीन। यानी देखो आप देखिए जो माध्य है या जो औसत है, तो वो औसत है तो सारे अंक वो नहीं है, सारे अंक ये बता रहा है कि औसत इतना है, मतलब सबको जोड़ के अगर उनकी संख्या से भाग देंगे तो उतना आएगा। इसका मतलब कि एक्चुअली हर अंक उससे क्या कर रहा है, डेविएशन शो कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मीन में जितना पॉजिटिव डेविएशन होता है उतना ही नेगेटिव डेविएशन होता है, यानी कि डेविएशन अगर आप सारे जोड़ देंगे तो आपको जीरो मिलेगा। मतलब समझ आ रहा है, जैसे कि पॉजिटिव डेविएशन यानी कि प्लस, नेगेटिव डेविएशन यानी कि माइनस, तो बीच का पॉइंट लिया तो बाकी सारे अंक या तो उससे कम होंगे या उतने ही ज्यादा होंगे। तो उतने पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन मीन में बराबर होते हैं। और मीन इज स्पेशली इफेक्टिव व्हेन वी वांट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट द सम ऑफ द स्कोर्स। और सबसे ज्यादा ये प्रभावी तब होता है जब हमको उस तरीके की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पता करनी हो, जब हमको आंकड़ों के योग के आधार पर अगर हमको कुछ पता करना हो तो मीन पता करना चाहिए। और इसके लाभ क्या क्या है, इजी टू कैलकुलेट, आप आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं। ऑल दी स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन आर कंसिडर्ड व्हेन मीन इज कंप्यूटेड, जब मीन निकाला जाता है तो हमको सारे आंकड़े हमको वितरण के लेने होते हैं। और फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैन बी कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ मीन। अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, मतलब मानक विचलन निकालना है, कुछ और निकालना है, तो और भी आप गणितीय सूत्र लगा सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपने मीन निकाल लिया है तो। और लिमिटेशंस क्या क्या हैं, आउटलियर्स और एक्सट्रीम वैल्यूज कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन मीन। देखिए मान लीजिए आपको आंकड़ा दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 50। अब 50 जो है वो बहुत ज्यादा है, वो आउटलियर, वो एकदम एक्सट्रीम स्कोर है। तो अगर आप इसका औसत निकालेंगे तो आपको 50 के आसपास मिलेगा, लेकिन बाकी अंक कैसे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये तो 50 से बहुत दूर है। तो जैसे ही कोई आउटलियर होगा, कोई ऐसा अंक, कोई ऐसा आंकड़ा आपको मिल जाएगा जो एकदम अलग हो, तो मीन पूरा डेविएट हो जाता है और वो हमको सही रिफ्लेक्शन डेटा का नहीं देता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है।
इट इज नॉट सुटेबल फॉर डेटा दैट इज स्क्यूड और इज वेरी एसिमेट्रिकल, कह रहे हैं ना कि उस तरीके के आंकड़े के लिए सुटेबल नहीं है जो बहुत एक दूसरे से कोई उसमें सिमिलैरिटी नहीं, एकदम अलग है। 3, 206, 509 ऐसे तीन डेटा दे दिए जाए और इनका मीन निकालना हो तो मीन आपका कहीं आएगा 500 के आसपास, जबकि डेटा तो एक तीन भी था, है ना। तो बहुत स्क्यूड है, बहुत असममित अगर हमको डेटा मिला है तो उसके लिए मीन ठीक नहीं, क्योंकि ये सही रिप्रेजेंटेशन तब नहीं करेगा। उसी तरह से मीडियन, मीडियन क्या कह रहा है, व्हेन कंपेयर्ड टू द मीडियन इज लेस सेंसिटिव टू एक्सट्रीम स्कोर्स और आउटलियर्स, कह रहे हैं कि मीन के मुकाबले यानी औसत के मुकाबले, माध्य के मुकाबले जो माध्यिका है वो कम सेंसिटिव है एक्सट्रीम स्कोर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसको क्या करना है, इसको जोड़ना थोड़ी है, इसमें तो हमको सिर्फ ये बताना है कि मिडिल पॉइंट क्या है जिसके ऊपर और नीचे आधे आधे स्कोर लाई करते हैं। तो कोई भी एक्सट्रीम स्कोर अगर 100 भी है, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 100 तो भी वो हमको, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिडिल पॉइंट वहीं पड़ेगा, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। फिर व्हेन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड और एसिमेट्रिकल द मीडियन कैन बी एडिक्वेटली यूज्ड, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन ये वितरण स्क्यूड हो, मतलब वितरण सममित ना हो, असममित हो, तो आप माध्य यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन माध्यिका यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माध्यिका को सम ऑफ द स्कोर से कोई लेना देना नहीं है। When a distribution is open-ended, that is actual score at one end of the distribution is not known, then the median can be computed. देखिए वो कह रहे हैं ना open-ended का क्या मतलब होता है, जैसे हमने पिछली बार आपसे बात की थी series की, जब statistical series, तो अगर 0 से 10 है तब तो हमको पता चल रहा है कि पहला अंक 0 है, लेकिन अगर उसने कह दिया less than 10 ऐसे कर दिया, यानी open-ended है, उधर more than 50 कर दिया अपर लिमिट उसकी, तो आपको ओपन एंडेड है, आपको पता नहीं चल रहा है एक्चुअल स्कोर क्या है, तब भी आप मीडियन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ मिडिल पॉइंट बताना है, आपको सम ऑफ द स्कोर से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप माध्य कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन माध्यिका कर सकते हैं, ठीक है। और लाभ क्या है इसके, कि ये आउटलियर या एक्सट्रीम स्कोर से प्रभावित नहीं होगी, जो एकदम अलग सा आंकड़ा मिल जाएगा उससे प्रभावित नहीं होगी, जबकि माध्य हो जाएगा। इन सर्टन केसेस इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द मीडियन थ्रू इंस्पेक्शन एज वेल एज ग्राफिकली, हम सिर्फ ग्राफ देख के या सिर्फ देख के बता सकते हैं कि माध्यिका क्या है, जबकि आप माध्य देख के नहीं बता सकते, आपको उसमें गणना करनी होगी। लिमिटेशंस क्या है, नॉट बेस्ड ऑन एवरी स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है वितरण के प्रत्येक अंक पर आधारित नहीं है, जबकि माध्य आधारित है। और इट कैन बी अफेक्टेड बाई सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस एंड दस कैन बी टर्म्ड एज लेस स्टेबल देन द मीन, और ये चूंकि सैम्पलिंग यानी कि आपने सैंपल कैसे बनाया है उस पर प्रभावित होती है, उस पर डिपेंड करती है, इसलिए ये माध्य के मुकाबले कम स्थिर है। तो ये मीडियन के बारे में हो गया। फिर मोड, मोड सबसे आसान है, मोड इज इजियर टू कंप्यूट देन मीन एंड मीडियन। मीन और मीडियन में तो फिर भी आपको देखना पड़ेगा, मोड तो बस आप ऐसे झलक देख कर ही पता चल सकते हैं कि कौन सा अंक है जो बार बार आ रहा है, किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है। एंड मोड इज नॉट अफेक्टेड बाई आउटलियर्स और एक्सट्रीम स्कोर्स, और ये भी आउटलियर या एक्सट्रीम स्कोर से प्रभावित नहीं होता है, जैसे माध्यिका नहीं होती है। तो सिर्फ कौन प्रभावित होता है, माध्य प्रभावित होता है। तो इसके लाभ क्या क्या है, इट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाई मियर इंस्पेक्शन, आप सिर्फ देख के निरीक्षण करके बता सकते हैं कि इस आंकड़े का बहुलक क्या है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाई आउटलियर्स और एक्सट्रीम स्कोर्स, ये भी आउटलियर और एक्सट्रीम स्कोर से प्रभावित नहीं होता, लेकिन लिमिटेशन है, इट इज समटाइम्स पॉसिबल दैट द स्कोर्स इन द डेटा वेरी फ्रॉम ईच अदर एंड इन सच केसेस द डेटा मे हैव नो मोड। ये बात हुई ना कि हो सकता है कि हमको ऐसा आंकड़ा मिला हो कि कोई भी अंक रिपीट ही नहीं हुआ है कभी, किसी की फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है ही नहीं, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो उस आंकड़े में बहुलक का कोई अर्थ नहीं, बहुलक निकलेगा ही नहीं। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द होल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरे वितरण पर आधारित नहीं है। एंड सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस हैव एन इंपैक्ट ऑन मोड टू, यानी मीडियन पे भी और मोड पे भी सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन का, फ्लक्चुएशन मतलब बदल रही है सैम्पलिंग, वेरी कर रही है, उसका फर्क पड़ता है, इसलिए ये इसकी कमी है। तो इसका हम कैसे सारांश निकाल सकते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का क्या मतलब है कि वो मापें, वो मेजर्स जिनकी टेंडेंसी है कि वो सेंटर की तरफ आना चाहती हैं। माध्य आपको केंद्र बिंदु बता देता है कि जितने अंक है या तो इससे इतने ही कम है या इससे इतने ही ज्यादा है, ये इसका औसत है। मीडियन हमको क्या बताता है कि ये वो बिंदु है जिसके ऊपर और नीचे बराबर अंक लाई करते हैं, अंकों का मान लाई नहीं करता, अंक लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए 11 अंक दे रखे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 11 ऐसे 11 तक चले जाइए, तो बीच वाला पॉइंट हमको बता देगा कि 5 ऊपर है 5 नीचे है। उसी तरह से आप जब हम सबके बारे में निकालना सीखेंगे कंप्यूटेशन, तब आप सीखे बोलेंगे कि 10 अगर अंक है इवन नंबर है तब कैसे हमको बीच का पॉइंट पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे जो पांचवा और छठा है
उसको चौथा या पांचवा जो भी बीच में पड़ रहा है आपके, बीच वाले के अगल बगल के दोनों जोड़ के दो से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा आपको कि बीच का पॉइंट क्या है। तो इस तरीके से ये अंक पर डिपेंड कर रहा है, अंकों के मान पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और बहुलक क्या है? बहुलक सबसे आसान है कि वो अंक जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है वो बहुलक है। तो बहुलक एक आंकड़े में एक से ज्यादा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये तो इसकी थ्योरी है। थ्योरी के बाद अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये जो डेटा है, ये जो ग्रुप डेटा है, मतलब समूह का आंकड़ा है, जो अवर्गीकृत आंकड़ा है, उसका आप मीन, मीडियन और मोड निकालिए। तो वो सवाल इसके बाद आएगा कि कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगता है, कैसे निकाला जाता है, इंडिविजुअल सीरीज का कैसे निकालते हैं, ग्रुप डेटा का कैसे निकालते हैं, शॉर्ट मेथड से कैसे निकालते हैं, लॉन्ग मेथड से कैसे निकालते हैं। तो सबके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में आपको दिया हुआ मान रखना होगा, कुछ थोड़ा जोड़ घटाना करना होगा, तब जाके निकलेगा मीन, मीडियन, मोड। तो पहले तो आप कंसेप्ट समझिए कि सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, और मीन, मीडियन, मोड का कंसेप्ट क्या है, और कैसे दोनों एक तीनों एक दूसरे से कहाँ कहाँ डिफर करते हैं, कहाँ कहाँ सिमिलैरिटी है। ओके, सो आगे के वीडियोस में मैं मीन, मीडियन, मोड को कैसे निकाला जाता है ये कवर करूंगी। ठीक है, ये भी आ गया। चलो, तो सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।